और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रीट से जुड़ी हुई है। रीट पेपर लीक मामले में ये खबर सामने आ रही है, मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ से एसओजी ने गिरफ्तार किया। 3 दिन से उत्तराखंड में एसओजी ने डेरा डाल रखा था। सरगना बत्तीलाल के साथ एक और गिरफ्तार हुआ है। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने इस मामले की पुष्टि कर दी है। ये वही बत्तीलाल मीणा है जिसकी तस्वीरें लगातार बड़े अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ और राजनेताओं के साथ लगातार आ रही थी, और इस पर आरोप था कि रीट की परीक्षा के पेपर इसने लीक किए हैं। और इस पर राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री लगातार सफाई दे रहे थे कि अगर कोई तथ्य हो तो पेश किए जाए, कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी प्रक्रिया में बत्तीलाल मीणा लगातार सुर्खियों में था। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एक बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रीट को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर था, और जो नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा था, तमाम राजनेताओं के साथ इसकी तस्वीर भी जो है वो नजर आ रही थी। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, एसओजी इसको उत्तराखंड से पकड़ कर ला रही है। क्या कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद है? और बिल्कुल देखिए आसिफ, जिस तरीके से 26 लाख अभ्यर्थियों ने जो राजस्थान में रीट परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें जो हिस्सा लिया था, सरकार ने इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रयास किए थे लगातार, लेकिन जो गिरोह राजस्थान में लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें नकल करवाते थे, पेपर लीक प्रकरण में शामिल पाए गए थे, उसी तरीके से रीट परीक्षा में बत्तीलाल मीणा को मुख्य सरगना बताया गया था जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल था। चूंकि बत्तीलाल मीणा का जब नाम सामने आया तो जब इसके बारे में कई राजनेताओं के साथ इसकी फोटो वायरल हुई थी और ये सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके साथ नजर आया था। अब चूंकि मामला ये काफी इसको लेकर के राजस्थान में राजनीति भी जो है गर्म हो गई थी और लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमला बोल रहा था। एसओजी ने उत्तराखंड से इसको गिरफ्तार किया है, केदारनाथ पर ये मिला है और वहां से इसके साथ एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है। आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि अब रीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसके जो है तार किन से जुड़े हुए हैं, क्या रीट पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है, किसी शैक्षणिक संस्थान से जहां परीक्षा केंद्र है वहां से पेपर लीक हुआ है, या जहां पर पेपर की जो छपाई होती है प्रिंटिंग प्रेस वहां से हुआ है, या किस स्तर से लीक हुआ है, ये तमाम सवाल अभी भी सरकार सहित जो विपक्षी दल है उसके मन में है, जनता के मन में है। रीट के जो 26 लाख अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार हैं, उनके मन में भी ये सवाल अभी गहरा रहा है। तो अब सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी कि ये जो पेपर लीक प्रकरण में कौन कौन शामिल हैं और किस तरह के लोग शामिल हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है एसओजी से, कब तक इस मुख्य आरोपी को जयपुर लाया जाएगा? देखिए आसिफ, इस बारे में हमारी एटीएस जो एटीएस एसओजी के एडीजी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि चूंकि गिरफ्तार कर लिया है, जल्द ही उसको जयपुर एसओजी मुख्यालय लाया जाएगा। यहाँ पर पहले उससे पूछताछ होगी, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट से इसे रिमांड ली जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है लगातार। एसओजी ने जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण हो या नकल गिरोह के मामले हैं उनको एक्सपोज किया है, तो ये कितना बड़ा गिरोह है, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, बिल्कुल ये सब चीजें एसओजी पूछताछ में ही सामने लाएगी। तो अभी गिरफ्तार किया है, संभवतः सुबह तक जयपुर पहुंचेगा और उसके बाद परत दर परत रीट पेपर लीक प्रकरण के जो कारनामे हैं वो सामने आ सकते हैं। राकेश, एक और बड़ा सवाल उठता है कि जब बत्तीलाल मीणा अगर अपने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लेता है, एसओजी की जांच के अंदर तमाम जो है वो तथ्य सामने आ जाते हैं और ये पता चल पाता है कि इसने वाकई में पेपर लीक किया है, वो कितने लाख कितने हजार अभ्यर्थियों तक पहुंचा है, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और रीट पर जो है वो आशंकाओं के बादल फिर से मंडराने लगेंगे। राकेश, अब बिल्कुल देखिए आसिफ, जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है उससे एक चीज तो तय है कि जैसे कई जो शिक्षा कर्मी हो या जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे जिनकी लापरवाही रही हो, मिलीभगत पाई गई हो, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कहीं डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश की थी, या जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल पाए गए थे उनके ऊपर सरकार और
ने कार्रवाई की है और कई लोगों को सस्पेंड किया है और उनको बर्खास्तगी की तैयारी भी की जा सकती है। चूंकि इस मामले में जो कई अभ्यर्थी उनको बोर्ड ने भी जो है परीक्षा के अयोग्य घोषित करते हैं, यानी आगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। निश्चित तौर पर बत्तीलाल मीणा के कनेक्शन अगर इस तरीके से मिलते हैं और इस तरीके किस तरीके से पेपर उसने जो है बाहर लिया, किसी शैक्षणिक संस्थान से लिया या जिस जगह से लिया, वहां पर सरकार आगे पुख्ता व्यवस्था कर सकती है। साथ ही जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है। अब ये तमाम जो सवाल हैं ये बत्तीलाल से पूछताछ जब होगी और उसके मुंह से जो रहस्य उगलेंगे उसके बाद ये कितना बड़ा नेटवर्क सामने आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं वो किस तरह के लोग हैं, इन सब के पीछे इन सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। बिल्कुल, महेश दादिज भी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए, उनके साथ भी बात करते हैं। महेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसे माना जा सकता है, क्योंकि जो रीट की परीक्षा हुई थी बड़े पैमाने पर हुई थी, सरकार ने बहुत सारे इंतजाम किए थे और उसके बाद ये परीक्षा जो है विवादों के घेरे में आ गई थी। अब बत्तीलाल मीणा का गिरफ्तार होना सरकार के लिए एक बड़ी खबर भी है, पॉजिटिव खबर भी है और परेशानी का सबब भी। पॉजिटिव खबर इसलिए कि विपक्ष को सरकार ने जवाब दिया है कि जो जिस पर आरोप लगे थे उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। परेशानी वाली बात यह है कि अगर ये आरोपी अपने तमाम गुनाहों में को कबूल करता है तो फिर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने अभ्यर्थियों तक ये पेपर पहुंच चुका था, तो एक बार फिर से सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। महेश, बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये परेशानी जो है वो हो सकती है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मुख्य आरोपी है वो इसमें पकड़ में आया है, तो कई और राज जो है वो खुलेंगे इससे, और इससे ये भी पता लग सकेगा कि जिस तरह के उसके राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध होने की जो बात कही जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि बत्तीलाल मीणा जो है सोशल मीडिया पर अपने आप को कभी कांग्रेस का नेता बता रहा था, कभी जो है एनएसयूआई से जुड़ा हुआ नेता बता रहा था, कभी उसने सोशल मीडिया पे अलग अलग बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उनके साथ में अपने फोटो जो है वो वायरल कर रखे थे। तो ऐसे में किससे उसका जुड़ाव है और नहीं है ये भी सारी जानकारी जो है उसके बाद में पता लगेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यही है कि जो बत्तीलाल मीणा है जो कि सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी में जो पेपर लीक का प्रकरण रीट की परीक्षा के दिन 26 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें 10 बजे परीक्षा होने वाली थी और 8:32 पर ये जो प्रश्न पत्र था वो चार मोबाइलों पर जो महिलाएं थी उनके मोबाइलों पर देखा गया था, जिसमें से कि दो कांस्टेबल की पत्नियां थी उसी में से जो है ये जब एसओजी ने जांच की तो उसमें जो कड़ी दर कड़ी खुलती गई उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर बत्तीलाल मीणा को माना जा रहा था, क्योंकि लंबे समय से फरार चल रहा था और जिसकी जो है एसओजी और लगातार एटीएस की तरफ से जो है जो दबिश है वो दी जा रही थी, साथ में उसकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही थी। लेकिन इसके साथ में आज उसके पकड़े जाने के बाद में अब कई सारे जो राज हैं, क्योंकि देखिए किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी कई आरोप जो है वो लगा रहे थे और उनकी ऊपर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे, तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो अभी चल रहा था। लेकिन ये बात सही है कि अब बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद में जो इस पेपर लीक के भीतर शामिल जो लोग हैं बाकी लोग उनके खिलाफ भी देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई हो पाती है और किस तरह के और जो नाम है वो खुल करके इसमें आते हैं। जहां तक बत्तीलाल मीणा की आपने बात की है, मैं बता देना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट छात्र है, इसने बीए किया हुआ है और इसने खुद जो है वो रीट परीक्षा इसको नहीं देनी थी, लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा था और इस तरह के आरोप में ये बात शामिल थी कि 15 लाख रुपए में इसने पेपर का सौदा किया था और इसने जो है ये पेपर वो अपने करीबी लोगों को या जिससे भी इसकी डीलिंग हुई थी उनको यहाँ पर दिया था। इसके राजनीतिक और प्रशासनिक इस कदर जो है संबंध है कि इसने अपने आप को सोशल मीडिया पर एक जगह पर कांग्रेस का सदस्य बताया था, लेकिन दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खारिज किया था कि ये किसी तरह से कांग्रेस का नेता नहीं है और कांग्रेस ने भी इस बात पे पल्ला झाड़ा था। तो दूसरी तरफ ये जो बत्तीलाल मीणा है उसके आज यहाँ गिरफ्तारी होने के बाद में अब कई सारे और खुलासे होने बाकी है, तो इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि तो मास्टरमाइंड को जो सबसे बड़े सरगना को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद में इन भर्ती परीक्षाओं के पीछे जो राज दफन है क्या वो सामने आ पाते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल महेश, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना जब बत्तीलाल मीणा को एसओजी जयपुर लेकर आएगी कितने कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ जानकारियां देता है। और इसके साथ महेश जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये नाम केवल रीट से जुड़ा हुआ था या कुछ और परीक्षाओं में भी जो है वो धांधली पहले हो चुकी है, इनसे जुड़े हुए तारों का खुलासा भी महेश हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर।
अच्छा जो है, क्या ये अगर खुलासा होता है कि किस लेवल पर ये पेपर लीक हुआ, क्योंकि देखिए उस दिन नेट बंदी की गई थी और पूरे राजस्थान में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी, तो ऐसे में जिन जिन जगहों पर ये पेपर पहुंचा, जिन जगहों पर पेपर को जो है पहुंचाया गया, उन सब की जो तलाश है वो पूरी तरह से जांच के बाद सामने आ पाएगा और साथ में ये भी पता चल सकेगा कि किन किन जगहों पर जो है ये शिकायतें मिली और क्या उन्हीं जगहों पर पेपर को दोबारा कराया जा सकता है या फिर पूरी परीक्षा दोबारा करानी होगी। लेकिन देखिए मुझे जहां तक लगता है कि पूरी परीक्षा जो है वो दोबारा यहां पर फिलहाल सरकार किसी कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये परीक्षा थी और इस परीक्षा में पूरी जी जान झोंकी गई, पूरा प्रशासनिक लवाजमा हो या फिर पूरा सरकारी तंत्र इसमें लगा और इस परीक्षा को सुव्यवस्थित कराने की कोशिशें भी आपने बखूबी देखी थी। लेकिन जब इस तरह की इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें रही तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये अनुमान है कि इस परीक्षा में जिन जिन केंद्रों पर शिकायतें मिली, संभवतः उन जगहों पर दोबारा से परीक्षाएं कराने का जो फैसला है वो शिक्षा विभाग या सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले सकता है। लेकिन फिलहाल यही देखना होगा कि बत्तीलाल मीणा किस तरह से राज उगलता है और जो उसकी कही हुई बातें हैं उसमें किन किन सेंटरों का जिक्र रहता है, किन किन लोगों का जिक्र रहता है और किस स्तर पर इस पेपर को जो है वो लीक माना जाता है। हाँ, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है महेश कि चूंकि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बत्तीलाल मीणा जो है वो रसूखदार लोगों के साथ अपनी तस्वीरें जो है वो पोस्ट करता रहता था, तो ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि इसके ताल्लुकात जो हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अधिकारी हो, उनके साथ कैसे रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर आप इसकी सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करेंगे तो हर वो बड़ा अधिकारी या राजनेता आपको मिल जाएगा जिसके साथ इसने अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं। तो सवाल जो सबसे ज्यादा गंभीर है वो ये है कि बत्तीलाल मीणा ने अपने कौन से रसूख, अपने कौन से कनेक्शन का इस्तेमाल किया कि जो पेपर रीट के बनते हैं वो बत्तीलाल मीणा के पास पहुंचे। ये बिल्कुल, ये तो वाकई में जांच के बाद पता चल सकेगा कि आखिर उसके पास में ये पेपर किस तरह से पहुंचा और इसने किस तरह से ये जो पेपर था उन तमाम जो कांस्टेबल है या फिर जो और भी बाकी के लोग थे जो इसमें शामिल थे पेपर लीक के इस मामले में, उन तक ये पेपर कैसे उसने पहुंचा है। लेकिन जहां तक आपने रसूख की बात की है तो निश्चित ही इसने जिस तरह से भले ही इसमें किसी नेता का कोई रोल हो या नहीं, लेकिन उसने जो इन फोटोग्राफ के जरिए में लोगों को और अभ्यर्थियों को अपने फेवर में करने की कोशिश की है वो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उसने ये लिया होगा कि भले ही वो कांग्रेस के नेताओं के साथ या फिर बीजेपी के बड़े आला नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाता रहा है तो उसने अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक पहुंच होने की जो बात है उसका इस्तेमाल इसमें किया होगा या लोगों को ऐसे भ्रमित किया होगा कि ताकि लोग जो है इससे इजीली जुड़ सके और उसके साथ में वह जो पेपर की जो बात है और जो पैसे की जो लेन देन है वो इजीली कर पाए। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कहा जा सकता है कि उसने इस अप्रोच का जो है इस्तेमाल किया होगा या फिर उसने अपने जो फोटोग्राफ रहे हैं उन चीजों का इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए किया होगा। तो अब ये देखने वाली बात यही है कि इसमें कितने अभ्यर्थी जो है इसके जांचे में आए हैं, कितने लोगों तक इसने पेपर पहुंचाए हैं और किस लेवल पर ये पेपर आउट हुआ, किन किन क्षेत्रों में ये पेपर आउट हुआ है, ताकि दोबारा से, क्योंकि देखिए 16.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे तो ऐसे में हर व्यक्ति जो है वो टकटकी लगाए हुए है इस परीक्षा पे और परीक्षा के जो परिणाम आने हैं उससे पहले ही ये जान लेना चाहते हैं कि आखिर इस परीक्षा की। महेश, राकेश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, जैसा कि महेश दादीच हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, अब एसओजी की नजर उन अधिकारियों पर होगी या उस कमेटी पर होगी जिसके नाम बत्तीलाल अब लेगा, क्योंकि जिनको पेपर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने दी थी कि रीट के पेपर तैयार किए जाए, उनके पास से पेपर जो है वो बत्तीलाल मीणा के पास पहुंचे ऐसा आरोप है, तो क्या अब उन पर भी एसओजी की गाज गिरेगी? राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये बहुत सारी चीजें जो जानना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बत्तीलाल मीणा के पास पेपर ही पेपर के साथ साथ आंसर की भी थी। जो पेपर है उसकी आंसर की बाहर निकलना निश्चित ही बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि जहां पेपर जिन व्हाट्सएप पे गया वो नेटबंदी से पहले ही पेपर उनके पास जा चुका था, क्योंकि जो नेटबंदी हुई थी सुबह 7 बजे से हुई थी, लेकिन पेपर उससे समय से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए बाहर जा चुका था और उसकी आंसर की जा चुकी थी। यानी पेपर में अब नेट में एक क्लिक करते ही राजस्थानी, हिंदुस्तान और दुनिया भर में पेपर कहीं भी पहुंच सकता है, तो इसका दायरा कितना बड़ा है, क्या इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी संस्थान जो परीक्षा केंद्र है उसके लोग शामिल हैं, या जो प्रिंटिंग प्रेस है, या जिस ठेकेदार या फर्म को ये जो पेपर कई सप्लाई का काम दिया गया था, इसमें पूरे प्रकरण जो पूरे इसकी जो ठेका दिया गया था, क्या वो इसमें शामिल है? तो अब
बत्तीलाल मीणा जो गिरफ्तार हुआ है वो जो बोलेगा वही रहस्य खोलेगा। एसओजी ने चूंकि अब से पहले बहुत सारे नकल प्रकरण जो गिरोह हैं उनमें कई राज्यों में जाकर के गिरफ्तारियां की हैं, कई ऐसे जो एक गिरोह जो संचालित कर रहे थे लंबे समय से, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाई थी या पेपर लीक प्रकरण वो शामिल रहे, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो अब देखना यह है कि इस प्रकरण में कितना बड़ा नेटवर्क आता है, कौन कौन लोग इसके पीछे सामने आते हैं और उसके बाद एसओजी इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल राकेश, अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा एसओजी के लिए कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है। ये अब एसओजी के लिए चुनौती होगा क्योंकि बत्तीलाल मीणा जिस पे लगातार आरोप लग रहे थे वो अब एसओजी की हिरासत में। बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी पर किरोड़ीलाल पीपोले, बत्तीलाल महज एक प्यादा है, परीक्षा कराने वाले मास्टरमाइंड हैं किरोड़ी ने कहा। एसओजी की उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, सीबीआई जांच से ही सच सामने आएगा, यह कहना है किरोड़ीलाल मीणा का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।